आपको आटा और गेहूं डालना है और दलिया बेसन जो भी डालना है, इस प्रकार का हम जाली देते हैं, तमाम जाली देंगे आपको जो 15,000 में एलईडी बॉल बनाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एलईडी बॉल बनाने का, पोछा बनाने का आपको हर प्रकार का यहाँ पर मैं सारा टूल्स भी देंगे और बॉल भी देंगे 100 पीस उसके साथ। 15,000 में इंक्लूड बॉल भी दीजिएगा, मतलब उसका रॉ मटेरियल भी देंगे, जिससे आप 100 बॉल से आपको ट्रेनिंग भी फ्री देंगे आपको। मौजूद है गोपालगंज में और देख पा रहे हैं मगध मशीनरी में। मगध मशीनरी में जब भी आप आइएगा तो एक से बढ़कर एक मशीन यहाँ पर मिलेगा। आप अगर किसी भी प्रकार का उद्यमी उद्योग लगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार लगाना चाहते हैं, तो भैया आप आइए ये मगध मशीनरी में और एक से बढ़कर दिखाइए, कैमरामैन जी दिखाइए, एक से बढ़कर एक मशीन है। आप जिस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं, लेंथ का लगा सकते हैं, पोछा का लगा सकते हैं, पतल ग्लास का लगा सकते हैं, यहाँ तक कि चौमिंग बनाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, तमाम ऐसी जो मशीनें होती है, आपको कहीं नहीं जाना है, गोपालगंज में आइए, मगध मशीनरी में आइए। और आपको बता दें कि यहाँ पर गारंटी के साथ मशीन दिया जाता है और आपको गाइडलाइन भी किया जाता है कि कौन सा उद्योग अगर आप लगाते हैं तो कौन सा उद्योग मार्केट में चलेगा। तो देर न करते हुए यहाँ के जो ओनर साहब हैं उनसे बातचीत कराएंगे और आपको एक एक मशीन के बारे में पूरे डिटेल्स में समझाएंगे कि ये मशीन कौन कौन सा काम कर सकता है, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तमाम ऐसी बातों को लेकर के आज हम मौजूद है मगध मशीनरी में। तो देर न करते हुए इनसे हमारे साथ सर है, इनसे जानेंगे कि कौन कौन सा मशीन ये बेचते हैं, कौन कौन सा मशीन जो है आप लगा करके मार्केट में महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये साहब बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके सभी व्यूअर को नमस्कार है। सर हमने सुना है कि मगध मशीनरी में जब भी आया जाता है यहाँ पर एक से बढ़कर एक मशीन हुआ करता है, एक से बढ़कर एक मशीन है, उस मशीन में सबसे कम लागत में लगा करके कौन सा ऐसा उद्योग है जो हम कर सकते हैं? देखिए सबसे कम की अगर बात करेंगे तो पोछा बनाने की हमारे पास मशीन है, बॉल बनाने की मशीन है जो 13,000 से स्टार्ट हो जाता है। एलईडी लैंप होता है, हाँ, बॉल जो बनाते हैं वो भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी कितने का होता है सर? कितना का होता है? आपको 15,000 में सारा टूल्स क्या देंगे, बात करते हैं सर, 15,000 में सारा टूल्स भी देंगे और बॉल भी देंगे 100 पीस उसके साथ। 15,000 में इंक्लूड बॉल भी, हाँ, मतलब उसका रॉ मटेरियल भी देंगे, जिससे आप 100 बॉल से आपको ट्रेनिंग भी फ्री देंगे, आपको फ्री एकदम फ्री में ट्रेनिंग देंगे, कैसे बॉल बनता है आपको 2 घंटा 3 घंटा जितना देर में सीख जाइए आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे। जो एलईडी लैंप होता है, एलईडी बॉल होता है, जो बॉल जो बॉल और गारंटी वाला, नॉन गारंटी वाला, जो भी आपको लाइट चाहिए सारा रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध यहीं से मिल जाएगा मात्र 15,000 में एलईडी बॉल बनाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एलईडी बॉल बनाने का, पोछा बनाने का, आपको हर प्रकार का यहाँ पे मशीन मिलेगा, सभी प्रकार का मशीन मिलेगा। सर कितना से कितना तक का मशीन है यहाँ पर? हमारे यहाँ 13,000 से लेकर के 25 लाख तक का मशीन है। 13 लाख से शुरुआत, 13,000 से लेकर के 25 लाख तक का मशीन, 13,000 से, हाँ, मात्र 13,000 से और 25 लाख तक का मशीन है। 25 लाख तक का, मतलब जिसका जितना शक्ति है, जिस तरह से आप उद्योग लगाना चाहते हैं, तो भैया देर मत कीजिए, मगध मशीनरी में आइए और साहब से मिलिए। आपको बता दें कि जो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब का नाम सुनते हैं सर, कहा जाता है कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री होगा, बड़ा फैक्ट्री होगा, उसी में ये बनता होगा। कुछ भी बड़ा फैक्ट्री नहीं होता है, बड़ा फैक्ट्री बनाने वाले तो आप ही है ना, आप छोटा से ही तो बड़ा होइएगा, तो मनोबल अपना टाइट रखे। हमारे पास 13,000 से लेके 25 लाख तक का मशीन है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसको हम सबको शेयर करते हैं कि भैया वैसा कोई भी काम आप नहीं करिए जिसमें ब्रांड का टकराव हो, वैसा कोई सामान नहीं बनाइए जिसमें बड़ी बड़ी अदानी हो, टाटा हो, आईटीसी हो, पीएनजी हो, हिंदुस्तान लीवर हो, वैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाइए, और वैसा ही प्रोडक्ट बनाइए जो डेली का सेल होता हो, डेली का खपत होता हो, वैसा ही प्रोडक्ट आपको बनाना है। और तो सारे मशीन आपके पास है? सारे हम मशीन देते हैं, हम रॉ मटेरियल देते हैं, हम काम करने वाले लोग देते हैं, हम आपको मशीन बिगड़ेगा तो कौन बनाएगा वो भी करते हैं, जगह कितना चाहिए, बिजली कौन सा चाहिए, लाइसेंस चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए कौन सा चाहिए, पैसा नहीं है, लोन कैसे मिलेगा वो देते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में एनी टाइम चलते रहता है कि माल बन के बने, माल अगर बन जाएगा तो बिकेगा कहाँ, हम बड़े बड़े मॉल से भी टाई अप किए हुए हैं। अच्छा। आपको हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग आदतन है कि हम लोग सोचते हैं कि जो हम बना रहे हैं वही आप लीजिए,
लेकिन ऐसा नहीं करना है। मशीन क्या है, मशीन जस्ट लाइक ए गैस चूल्हा और कुकर है। आपको अगर मन कर रहा है चावल दाल सब्जी खाने का वो बनाइए, मन कर रहा है खिचड़ी खाने का वो बनाइए, मन कर रहा है पुलाव खाने का वो बनाइए। बड़े बड़े लोग किस तरीके से काम करते हैं, बड़े लोग का होता है आप मान लीजिए हम मार्केटेड भाई हैं, आप मैन्युफैक्चर्ड भाई हैं, तो आप हमसे मीटिंग करिएगा, हम जो मार्केटेड भाई है वो बताएगा कि भैया ये जो प्रोडक्ट है आप देखिए बना लीजिएगा। जी बना लेंगे, हम ये लिए सैंपल बना के लाइए, अगर सैंपल हमको अच्छा लगा तो हम 5 लाख पीस का ऑर्डर देंगे। वो सैंपल बना के लाते हैं, पसंद आ गया अगर मार्केटेड भाई को तो उसने ऑर्डर दे दिया। हम लोग क्या है कि देखिए ना भैया ये बनौले बनिए लेवे तो ये बहुत गलत बात है। आपको आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपसे पूछता है कि आप क्या खाएंगे, जो आपका पसंद होता है वो आप ऑर्डर करते हैं। आप ये नहीं बोलते हैं, रेस्टोरेंट वाला ये नहीं बोलता है कि भैया हम चावल दाल सब्जी बनौले बनी हुआ खाए क्यों। तो ये सब चीज हम लोग बिजनेस में भी अपनाना होगा, बहुत सारे लोग ये सब चीज नहीं अपनाते। सर कौन कौन सा मशीन है थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, हमारे यहाँ स्क्रबर जिससे बर्तन धोते हैं, स्क्रबर बनाने का मशीन है, कपूर बनाने का मशीन है, चाउमीन बनाने का मशीन है, चप्पल बनाने का मशीन है, पेपर कप है, पेपर प्लेट है, LED बॉल है, पोछा का मशीन है, हमारे यहाँ काठी बनाने का मशीन है, हमारे यहाँ नन ओवन बनाने का मशीन है, उजला वाला ईट बनाने का मशीन है, पत्तल का रॉ मटेरियल का मशीन है, आपको स्क्रबर का रॉ मटेरियल बनाने का मशीन है। हमारे यहाँ वैसे सारे प्रोडक्ट हैं जो नित्य रोज आपके घर में खपत होता है और जिसमें ब्रांड का टकराव नहीं है। ब्रांड का टकराव कैसे नहीं है, हम लोग क्या घर में पुर्जा बनता तो लिखाता है सर्फ एक्सल, आपको कोलगेट, उसमें पेप्सी या टाटा का चाय टीपर टी, फिर से टाटा का नमक वही लिखाता है, हिंदी वाला कॉपी 4 गो, इंग्लिश वाला कॉपी 2 गो, अगरबत्ती 1 गो, कपूर 10 रुपया का, चौमिन 1 पैकेट, पेपर कप ले ले 50 गो, पत्थर ले लीजिएगा 100 गो। इस काटी आप खरीदने जाते हैं दुकान में तो क्या होता है, आप होता है हाफ इंच का, जरा हमको 100 ग्राम दे दीजिए, ये थोड़े बोलते हैं कि टाटा का ही चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित ही जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। तो देखिए भैया साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोपालगंज में आइए, मगध मशीनरी में आइए और इसी छत के अंदर आपको सब चीज मिलेगा, रॉ मटेरियल से लेकर मशीन तक। और यहाँ पर आपको बता दें कि 13,000 से लेकर 25 लाख तक आपको मशीन यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं साहब। और आप बड़ा नौकर बनने से अच्छा है भैया कि उद्योग लगाइए और अपना आप को मालिक बनिए। और दिखा देते हैं ये, हम जल्दी जल्दी में आपको दिखा देते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। अब ये देखिए कपूर बनाने का मशीन है, रेट नहीं पूछना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दुकानदार का कम जो मशीन लगाते हैं उनका कंप्लेन रहता है, भैया आप खोल देते हैं कि रेट में, तो दुकान के पास हम लोग जाते हैं तो दिक्कत होता है, तो रेट नहीं बताएंगे, बस मार्जिन हर मशीन के बारे में मार्जिन ऐसी समझिए 50-60% का मार्जिन। दिखाइए आपको दिख रहा होगा तरीके से, इसमें आपको आटा और गेहूं डालना है और दलिया बेसन जो भी डालना है, इस प्रकार का हम जाली देते हैं, तमाम जाली देंगे, आपको जो पीसना है। इसमें इस मशीन की खासियत यही है कि आपको इससे पीसा हुआ आटा जो है आपको चलनी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें चलने वलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा ब्लेड सिस्टम है, इसमें जलने का डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये बोलता है, जब पिसा जाएगा तो आपको ये नहीं कि स्विच बंद करना है, बोलेगा कि आपका आटा पीस के तैयार हो चुका है, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप आटा खत्म होगा, गेहूँ खत्म होगा तो बताएगा। इधर चौमिन बनाने का ऐसा चौमिन बनाने का मशीन है, चौमिन में 3 मशीन आता है, चौमिन और मिक्सर और ड्रायर, और इस तरीके का ये सारा ये स्क्रबर बनाने का ऑटोमेटिक मशीन है, इधर पर ग्राइंडर भी है, सारा चीज आपको इधर अगरबत्ती बनाने का ये मशीन है, इधर दिखाइए अगरबत्ती बनाने वाला, बहुत लोग इधर अगरबत्ती बनाने वाला, अगरबत्ती बनाने का मशीन है, यही अगरबत्ती बनाने, अगरबत्ती बनाने का मशीन है, सारा का सारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा। इधर फिर तमाम पत्तल होगा का सारा मशीन है, आपको जो मशीन बड़े मशीन का अगर ऑर्डर होगा आप करेंगे, बड़े मशीन थोड़े कम ही लोग लगाते हैं, अपने यहाँ क्या है सब कुछ है, हिम्मत की कमी है, अपने यहाँ यूपी बिहार के लोग इतना एनर्जेटिक और इतने स्मार्ट होते हैं, बड़ी कंपनी में अगर वो नहीं रहे तो कंपनी चलेगा ही नहीं। बस दिक्कत यही है, जैसे कहावत है ना कि दिया तले अंधेरा, तो दिया तले अंधेरे वाली बात हो जाती है कि अपने पे जब आती है तो हम लोग डर जाते हैं, क्यों डरते हैं, हम लोग को
बचपन से यही सिखाया गया कि आपको पढ़ाई करके जॉब ही लेना है। अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, अब नौकरी पढ़ाई करके नौकरी नहीं नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी अभी स्थिति बनी है अपने बिहार की। अपने यहाँ क्या था कि पहले उद्योग करने के लिए पहले बिजली नहीं था, फिर रोड ही नहीं थे, दिन में आपका पैसा छीना जाता था, तो सारी स्थिति ग्राहक नहीं थे। अपने यहाँ डोमिनोज थोड़े था, रिलायंस ट्रेंड थोड़े था, पिज्जा हट थोड़े था। अब खाने और बनाने वाले लॉकडाउन की विडम्बना कही है, जो कही सब कोई आ गए हैं अपने गांव में घर में। आप जहाँ जाइएगा ना अपने गांव के आसपास देखिएगा बड़ा बड़ा सीट बन रहा है। वो क्या है जो 15-20 साल पहले गुजरात गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ से सब कोई लौट रहे हैं और अपने यहाँ गांव में लोगों को रोजगार का संसाधन दे रहे हैं। हम बार बार यही कहेंगे कि हमारे यहाँ हम रॉ मटेरियल काम करने वाले लोग, अब मशीन बिगड़ेगा तो कौन बनाएगा, पैसा नहीं है पैसा कौन देगा, लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या आपको माल बन के बिकेगा कहाँ, हम बड़े मॉल से भी टाइप किए हुए हैं। तो आपको बस हिम्मत करने की जरूरत है कि हम निकल जाए। तो चलिए ये तमाम सारी बातों सर ने बताया और कहा कि भैया हिम्मत जुटाइए और नौकर बनने से अच्छा है कि खुद का मालिक बनिए। आप फिर से सुन लीजिए, गोपालगंज में आइए, मगध मशीनरी में आइए, मगध मशीनरी पर आकर के आप एक से बढ़कर एक मशीन जिस तरह से आप उद्योग लगाना चाहते हैं, जो सभी काम करना चाहते हैं, आप जरूर एक बार आइए। स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर पर कॉल लगाइए और बक्सर से संपर्क कीजिए, यही खबर दिखाने का हम प्रयास करें। धन्यवाद।